इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं प्यारा भी बहुत लगता है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चलिए बिना देरी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है ये चार कलर का कपड़ा। हमने ब्लैक लिया है, पिंक लिया है, ग्रीन लिया है, वाइट लिया है। तो चलिए इसका मेजरमेंट आप लोग को बता दें और कितना पीसेस है ये भी बता दें। तो इसके ये देखिए जो ब्लैक वाला है 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई, हमने चार पीसेस लिया है। पिंक वाला हमने चार पीसेस लिया है, ये भी हमारा 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई है। और ये हमने छह पीसेस लिया है वाइट वाला, 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई। और ये हमने लिया है दो पीसेस तो ग्रीन का है, तो ये भी हमारा 4 इंच लंबाई, 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई। तो जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस को हम फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हम अब हमें क्या करना है, ग्रीन लेना है और हमें पिंक लेना है। दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया और जो हमारा ग्रीन कलर का पीसेस है फिर हम लेंगे और पिंक का लेंगे, दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो जितना भी हमारा पीसेस है इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग को बताएंगे तो अच्छे तरीके से बताने का समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो ये देखिए हमने इसको सिलाई कर लिया है ये ग्रीन और पिंक। अब हमें क्या करना है, पिंक लेना है, वाइट लेना है। देखिए कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने वाइट लिया है, पिंक लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर दिया है। फिर हमें इसी तरीके से तीन पीसेस को लेना है, मतलब एक वाइट, एक पिंक, एक वाइट, एक पिंक, जिस तरीके से। तो इसको भी हमें सेम ही लेना है इस तरीके से और सिलाई कर देना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया, जितना भी हमारा पीसेस था एक पिंक, एक वाइट, एक पिंक, एक वाइट, इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये ब्लैक लेना है और हमें वाइट लेना है। दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसको भी हमें सिलाई करना है, एक ब्लैक लेना है और एक हमें वाइट लेना है। और इस तरीके से हम देखिए तीन पीसेस को इस तरीके से इसको भी हमने सिलाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से जो हमारा पिंक और वाइट ग्रीन वाला पीसेस है इसको इस तरीके से लेंगे और दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छी तरीके से बराबर करते हुए इस तरीके से सिलाई कर देंगे। ये देखिए पिंक को पिंक में मिलाएंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर दिया है। और ये वाला जो हमारा पीसेस है इसको भी सेम ही लेंगे, ये देखिए पिंक को पिंक की साइड ही मिला देंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया। तो तीन पीसेस को आप लोग को कर बता दे रहे हैं और हमने एक पहले से कर रखा था। तो हमारा चार, एक फ्लावर के लिए चार पीसेस को इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए आप जितना भी बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये ब्लैक को ब्लैक के साइड ही रखना है और वाइट को वाइट की साइड रखना है और अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई कर दिया और इसको भी लेंगे, ब्लैक को ब्लैक की साइड मिला देंगे और अच्छी तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस को इस तरीके से सिलाई करना है, वाइट को वाइट की साइड, ब्लैक को ब्लैक की साइड, इसी तरीके से रखना है और इसी तरीके से बराबर करते हुए हमें सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया इस तरीके से। अब इसको कर देंगे कटिंग। तो हमने कटिंग कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से तीन तीन पीसेस को हमने करा है। तो अब हमें इसको इस तरीके से लेना है, ये देखिए इसको इस तरीके से लेंगे और दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते समय में जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही नहीं रहेगा तो फिनिशिंग अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, इसको भी इस तरीके से लेंगे और ये देखिए और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने दूसरा पीसेस को भी सिलाई कर दिया और तीसरे को भी सेम करेंगे और एक हमने पहले से कर रख लिया था। तो ये हमारा चार पीसेस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से आया है और ये भी। तो ये देखिए हमने चार पीसेस को इस तरीके से तैयार किया है। हमें इस तरीके से रखना है, ये देखिए इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से रखना है। तो ये हमारा अब क्या करना है, इसको हमें ये दोनों को लेना है और इसी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया और इसको भी लेना है और दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई करना है। तो ग्रीन को ग्रीन की साइड रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया दोनों को आपस में मिलाते हुए। अब यहाँ से हम कर देंगे कटिंग। तो हमने कटिंग भी कर दिया। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों को आपस में मिलाते हुए ये देखिए इस तरीके से और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। आप इसको पूरा सिलाई करिए इस तरीके से रखते हुए और
आप इसमें ब्लैक का, ग्रीन का, पिंक का, वाइट का पट्टी लगा सकते हैं और एक एक कर ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें पट्टी लगाइए आपके हिसाब से ही, अगर चाहिए तो मत लगाइए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो है इस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कटिंग कर देंगे इसको, और पट्टी आप लगाइए एक एक कर ज्वाइन कर दीजिए। 2.5 इंच की चौड़ाई का लगाइए, अगर आप चाहे तो ना लगाइए, इस तरीके से आप पीसेस बना कर रखिए, जितना भी आपकी लंबाई चौड़ाई की ज़रूरत है आप उसी तरीके से एक एक कर ज्वाइन कर दीजिए। आई होप आप लोग को हमारा डिज़ाइन पसंद आया होगा और हमारी बताने का तरीका भी समझ में आया होगा। तो इसका फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा और हमारे बताने का तरीका भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस तरीके से आप लोग देख सके नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।